ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିଲା। ସେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଲଢା ଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେ, ସେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ସେତେବେଳେ ନିଭାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାନର ସେନା ଥିଲେ, ସେଭଳି ଏକ ଆମେ କହିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହିଭଳି ଅବଦାନ ଥିଲା। ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଉ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସାର୍, ଜିସ୍ ତରହ ସେ ଅଭି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନା ହେ, ଉସ୍ ତରହ ସାର୍ କେସେ ମାହୋଲ ଥା, ଆଜ ମାହୋଲ ମେ କିତନା ବଦଲାବ ଆପ ନଜର ଆ ରହେ ହେଁ ଆପକେ ଦିନ। ମୈଁ ଲଗଭଗ 15 ସାଲ ତକ ଇସ କେସ ସେ ଜୁଡା ରହା ଔର ରାମ ଭଗବାନ ରାମ ଲଲା କା ମୁକଦମା ଦାଖିଲ କରନେ ୱାଲେ ବାଦ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କେ ସାଥ ମେ ଥା 3 ସାଲ ତକ ରହା। ସଭି ଜାନକାରୀ ମୁଝେ ଉନ୍ହୋନେ ଦିଆ ଔର ସଭି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ମୈନେ ଇକଠା କିଆ। उस समय स्थिति ये थी कि हम लोग जब कोर्ट में जाते थे तो विपक्ष के लोग जो थे, विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए, हम लोगों का टांट कसते थे कि बिशंतु प्रसाद वाला आ गया, ये रामचंद्र भवन वाला आ गया, या कट्टर हिंदू है ये। और आज मुकदमा जीतने के बाद जब मंदिर बन रहा है तो बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है और हम लोग बहुत प्रसन्न हम लोग हैं। और हमको लगता है कि ये महाभारत के बाद पहला अवसर था जो सनातन धर्म की स्थापना के लिए ये केस जीता गया और केस जीतने के बाद मन प्रफुल्लित है। मन प्रफुल्लित है, जो माइंडसेट था सर उस टाइम जो लोगों के अंदर, आज के दिन में वो माइंडसेट कितने बदला है आपके नजरिया से? अब मैं कोर्ट में देखता हूँ कि 99% बदल गए हैं लोग। जो टांट कसते थे वो सब हमारे प्रणाम करने आते हैं, मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं सुन के कि ये राम जन्मभूमि के मुकदमा में वकील थे, भगवान रामलला के वकील रहे, ये कह के प्रसन्न होते हैं लोग। यही प्रभु की कृपा है, आप बोलेंगे यही प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। उस टाइम जो डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं वो कितना अहम डॉक्यूमेंट था और कैसे प्रोसेस किए थे, कितना डिफिकल्ट झेलना पड़ा था उस टाइम में आपको? वो डॉक्यूमेंट वेद पुराण इतिहास भूगोल पुरातत्व हर तरह से, हर तरह का था। यहाँ GPR सर्वे कोर्ट के आर्डर पर GPR सर्वे हुआ, फिर खुदाई हुई, उसमें भी हर शनिवार रविवार को मैं रहता था मौके पर। लगभग ये 7-8 महीने तक कार्रवाई चली थी और GPR सर्वे के समय ही जब लोगों ने चर्चा किया मुझसे तो मैंने कहा कि वहां मंदिर के का प्रमाण निश्चित ही मिलेगा। और रिपोर्ट में जो आया, रिपोर्ट में आया कि वहां जमीन के अंदर चट्टान हो सकता है, दीवार हो सकती है, मंदिर के भी अवशेष हो सकते हैं। जब खुदाई हुई तो वही सब मिले, दो दीवारें मिली पश्चिम की तरफ जो ईसा शताब्दी के पूर्व की थी, प्रथम शताब्दी की, विक्रमादित्य की समय माना जाता है। और दूसरी दीवार 12वीं शताब्दी की मिली जो 23 डिग्री डेविएट करते हुए थी, उसके सामने 5 लाइन में 13 रो, ये 5 रो में 17 5 बार जो है स्तंभ के स्थान मिले, इससे साबित हुआ कि मंदिर ही रहा है और ईसा पूर्व से रहा है। आप आके पूरा अयोध्या में घूम रहे हैं, अयोध्या का माहौल अभी कैसे लग रहा है आप? अयोध्या का माहौल जैसे तिरुपति बालाजी का लगता है, जैसे काशी का लगता था, जैसे मथुरा का लगता था, उस तरह का आज लग रहा है मुझे। पूरा राममय हो गया है, पूर्णता राममय हो गया है। जिस तरह से काशी में बम बम बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, मथुरा में राधे राधे बोलते हैं, वैसे यहाँ हर जगह जगह गली गली में लोग जय श्री राम बोल रहे हैं। उस टाइम जब आप जय श्री राम बोल रहे थे लोगों के रिप्ले में क्या आता था, आज के दिन में रिप्ले में जय श्री राम आ रहे हैं? एक स्थिति 1990 के थी कि जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तारी हो जाती थी, ये चंदन टीका लगा के चलना मुश्किल था, गिरफ्तारी हो जाती थी। और आज खुलेआम हर आदमी टीका लगा के चल रहा है और जय श्री राम बोल रहा है और उसके जवाब में फोर्स के लोग भी, पुलिस वाले भी जय श्री राम बोल रहे हैं। ये बदलाव आया है। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେ ଯିଏ କି ଓକିଲ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ସେ ଲଢିଛନ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ଟିକା ଲଗେଇବା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା ଲାଗୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲାଗୁଛି, ଏଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଦଳିଛି। ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ 99% ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ରାମଲାଲାଙ୍କର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଙ୍କ କଥା କହିଲେ ରିପ୍ଲାଏରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାମ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅଜୟ ପାଣ୍ଡେ ଯିଏ କି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କର୍ଷବକପୁରମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।